गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्कॉर्पियो जंतु का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बच्चों, शुरुआत में मैंने बताया था क्योंकि स्कॉर्पियो आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है और आर्थ्रोपोडा के अंदर अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेक्स सेपरेट होते हैं। इसी प्रकार स्कॉर्पियो में भी मेल और फीमेल जंतु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ओके, और वैसे तो इनके अंदर यदि हम फिजिकली देखें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है वो प्रीडोमिनेंट टाइप का नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो मेल क्या होते हैं, मेल फीमेल की तुलना में स्मॉल साइज के होते हैं और इनका जो एब्डोमेन होता है वो सकड़ा एब्डोमेन पाया जाता है। ओके, लेकिन इनकी जो पेडिपल जो संरचना होती है, पेडिपल्स होते हैं वो मेल के फीमेल की अपेक्षा लंबे होते हैं, टेल रीजन इनका जो होता है लंबा होता है और जो पेक्टिनल टीथ होते हैं वो इनके अंदर ज्यादा संख्या के अंदर पाए जाते हैं। ओके, मेल के अंदर जो ऑपरक्यूलम जो जेनाइटल ऑपरक्यूलम है वो किससे बना हुआ होता है, वो टू फ्लैप्स के बना हुआ होता है। अब यदि हम फीमेल को देखें तो देखिए फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल जो जंतु है वो मेल की तुलना में थोड़ा साइज के अंदर बड़ा होता है। ओके, और इनका जो एब्डोमेन होता है बच्चों वो चौड़ा एब्डोमेन पाया जाता है, लेकिन जो साइज में बड़ा एब्डोमेन इनका चौड़ा होता है लेकिन पेडिपल जो होता है वो इनका वो छोटा होता है। इसी प्रकार टेल रीजन जो होती है वो छोटी होती है इनका, और इनके जो पेक्टिनल टीथ होते हैं वो भी कम पाए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ संरचनाएं हैं जो कि मेल और फीमेल जंतु को डिफरेंशिएट करती है। अब हम जब पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए जंतु स्कॉर्पियन के अंदर जो इनके गोनेट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गोनेट्स जो है वो प्री एब्डोमेन रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर ये जो हिपेटोपैंक्रियाज है वहां पर एम्बेडेड या धसे हुए रहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो सम्मिलित होते हैं, देखिए इसके अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं और वन पेयर ऑफ वासर डिफरेंशिया पाई जाती है एंड वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है, पैरा एक्सियल ग्लैंड्स मिलती है इसके अंदर, वन पेयर ऑफ इसके अंदर जेनाइटल चेम्बर मिलता है और मेल जेनाइटल पोर ओके में खुलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्टिस की। ओके, टेस्टिस जो है वो जैसे अभी मैंने बताया कितने टेस्टिस होते हैं इसके अंदर, देयर आर वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। ओके, और ये वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो हमारा जो प्री जंतु का प्री एब्डोमेन जो रीजन है वहां के थर्ड और सिक्स जो सेगमेंट है, थर्ड से लेकर सिक्स सेगमेंट तक प्री एब्डोमेन रीजन के अंदर जो हिपेटोपैंक्रियास जो हमारी संरचना है वहां पर ये धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। ओके, यदि हम एक सिंगल टेस्टिस की संरचना देखें बच्चों तो टेस्टिस किस प्रकार की संरचना होती है, प्रत्येक टेस्टिस या प्रत्येक वृषण जो होता है वो दो सिलेंडर थ्रेड लाइक व्हाइटिश लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स के बनावा होता है जो कि एक दूसरे के पैरेलल स्थित होती है, और ये दोनों ट्यूब्स जो होती है वो फोर ट्रांसवर्स ट्यूब्स के द्वारा आपस के अंदर जुड़ी रहती हैं। ओके, तो एक मैश लाइक एक जाल नुमा संरचना के रूप में वृषण स्थित होता है। ये जो ट्रांसवर ट्यूब्स होती हैं वो इस पूरे वृषण की जो दो नलिकाएं हैं होती हैं उनको थ्री स्क्वायर्स के अंदर विभक्त कर देती हैं। ओके, यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें टेस्टिस का तो जो ट्यूब्यूल्स हैं वृषण की जो नलिकाएं हैं वो कौन सी एपिथीलियम द्वारा आश्रित रहती हैं, ये जो नलिकाएं होती हैं ये जर्मिनल एपिथीलियम द्वारा आश्रित रहती हैं, और ये जर्मिनल एपिथीलियम में क्या पाए जाते हैं, जर्मिनल सेल्स पाई जाती हैं। ओके, एंड फ्रॉम दिस जर्मिनल सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस
ये क्या बनाती है, ये स्पर्म्स का निर्माण करती है, या स्पर्मेटिड का निर्माण इनके द्वारा होता है थ्रू द जर्मिनल सेल्स। ओके, जर्मिनल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल चैम्बर्स बाय सेक्टर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ईच चैम्बर देयर इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्म्स आर सीन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस। ओके, एंड द स्पर्म्स आर अरेंज्ड इन बंडल्स, क्लस्टर्स के रूप में स्पर्म्स जो है वो अरेंज रहते हैं। अब यदि हम मैच्योर स्पर्म्स की बात करें तो मैच्योर स्पर्म किस प्रकार का होता है, फिलिफॉर्म तंतुरूपी होता है और ये जो है वो गतिशील स्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर ओवल बॉडी और एक लॉन्ग टेल पाई जाती है। ओके, यदि हम स्पर्म की संरचना देखें तो ये तो बात थी हमारे टेस्टिस की। अब हम आगे चले टेस्टिस के बाद वॉस डिफरेंशिया जिसको शुक्र वाहिकाएं भी कहते हैं। देखिए प्रत्येक जो टेस्टिस है बच्चों उनके जो सबसे ऊपरी नलिका है उसके बाहरी किनारे से, उसका जो एंटीरियर पार्ट है उसके बाहरी किनारे से वन पेयर ऑफ वॉस डिफरेंशिया अराइज होती है। ओके, वॉस डिफरेंशिया अराइज होती है और ये वॉस डिफरेंशिया जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रन करके कहाँ खुलती है, अपनी तरफ की वॉस डिफरेंशिया जेनाइटल, अपने तरफ के जेनाइटल चैम्बर के अंदर खुलती है। ओके, देखिए वॉस डिफरेंशिया का जो डिस्टल पार्ट होता है, दूरस्थ सिरा होता है, वहां पर ये जेनाइटल चैम्बर में खुलने से पहले थोड़ी फूल जाती है और ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है, ये टर्मिनल एम्पुला कहलाती है। ओके, बिफोर एंटरिंग द जेनाइटल चैम्बर ऑफ इट्स साइड, ओके, अपनी साइड के जेनाइटल चैम्बर में खुलने से पहले ये टर्मिनल एम्पुला नामक एक संरचना बनाती है। ये फूली हुई संरचना होती है वॉस डिफरेंशिया की और ये टर्मिनल एम्पुला जो है वो जेनाइटल चैम्बर के अंदर खुलता है। ओके, हम बात कर रहे हैं अब, ये तो बात है शुक्रवाहिका की, अब कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी जो है स्कॉर्पियन के अंदर पाए जाती है। बेसिकली एसेसरी ग्लैंड्स जो मेन, दैट इज अ सिलिंड्रिकल ग्लैंड एंड ओवल ग्लैंड्स। इसके अलावा दो और ग्लैंड्स जो है वो स्कॉर्पियन के अंदर वेरियस स्पीशीज के अंदर पाई जाती है। यदि हम एक कॉमन बात करें तो देयर आर फोर पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है इन स्कॉर्पियंस। ओके, कौन कौन सी होती है बच्चों, ये जो है डॉर्सल एनेक्स ग्लैंड्स को कहते हैं, वेंट्रल एनेक्स ग्लैंड, जब भी हम डायग्राम में समझेंगे ये कहां कहां सिचुएटेड होती है, और वन पेयर सिलिंड्रिकल ग्लैंड, वन पेयर ओवल ग्लैंड। ओके, ये चार जोड़ी सहायक ग्रंथियां स्कॉर्पियंस के वेरियस स्पीशीज के अंदर पाई जाती हैं। देखिए बच्चों ये जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, ये एक प्रकार का लिक्विड सिक्रीट करती हैं जो कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन के समय जो है वो काम आता है। ओके, अब हम चले आगे, ये थी हमारी बात एसेसरी ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट इन द मेल जेनिटल सिस्टम। अब हम बात करते हैं समाइनल वेसाइकल की। समाइनल वेसाइकल जिसको हम वेसिक्यूला समाइनलिस भी कहते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है, वन पेयर समाइनल वेसाइकल पाया जाता है जो कि क्लब्ड शेप ऑर्गन है एंड येलोइश कलर का संरचना पाई जाती है। समाइनल वेसाइकल वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर स्पर्म स्टोर करके रखे जाते हैं। ओके, चले आगे, समाइनल वेसाइकल उसके बाद में देखिए जेनाइटल चैम्बर जो है, अभी मैंने बताया था वॉस डिफरेंशिया जो है अपनी तरफ के वन पेयर ऑफ जेनाइटल चैम्बर पाया जाता है जंतु के अंदर, प्रत्येक वॉस डिफरेंशिया अपनी साइड का जो जेनाइटल चैम्बर है उसके अंदर खुलती है। ओके, और ये जो वन पेयर ऑफ जेनाइटल
जेनाइटल चैम्बर है बच्चों, वो एक कॉमन जेनाइटल चैम्बर के अंदर ओपन होता है। और ये जो जेनाइटल चैम्बर है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जो जंतु की जो मीजोजोमा पार्ट है उसके फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट पर वन पेयर ऑफ जेनाइटल चैम्बर सिचुएटेड रहते हैं। दोनों तरफ के जेनाइटल चैम्बर एक कॉमन जेनाइटल चैम्बर के अंदर खुलते हैं। और ये जो कॉमन जेनाइटल चैम्बर है वो कहाँ खुलता है, ये कॉमन जेनाइटल चैम्बर जो है वो मेल जेनाइटल ओपनिंग होती है। ओके, मेल जेनाइटल ओपनिंग या हमको मेल जेनाइटल पोर कहते हैं। ये मेल जेनाइटल पोर कहाँ सिचुएटेड होता है, ये मेल जेनाइटल पोर जो हमारा प्री एब्डोमेन पार्ट है जंतु का, प्री एब्डोमेन पार्ट उसके फर्स्ट सेगमेंट के जो स्टर्नम है उस स्टर्नम के नीचे जेनाइटल ऑपरक्यूलम के नीचे ये पोर सिचुएटेड होता है। और इस पोर के द्वारा जो हमारा ये कॉमन जेनाइटल चैम्बर है वो इस पोर के द्वारा बॉडी के बाहर खुलता है। ओके, अब हम बात करें पैराक्सियल ऑर्गन की जिसको उप अक्षीय ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, उप अक्षीय ग्रंथि क्या होती है बच्चों, देखिए प्रत्येक जो हमारा जननिक प्रकोष्ठ या जेनाइटल चैम्बर है, प्रत्येक जो हमारा जेनाइटल चैम्बर है उसके पीछे से वन एक जो है क्या रहती है, पैराएक्सियल ऑर्गन सिचुएटेड रहता है। जेनाइटल प्रकोष्ठ जो है पीछे की तरफ पैराएक्सियल ऑर्गन या जिसको हम उप अक्षीय ग्रंथि कहते हैं उसमें वृद्धि कर जाता है। ये जो पैराएक्सियल ऑर्गन होता है बच्चों इसमें कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी के अंदर एक काइटिनस रोड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसके अंदर एक काइटिनस रोड पाई जाती है जो क्या कहलाती है, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। ओके, इस ये जो फ्लैजिलम है इसकी जो इनर सरफेस होती है, इसके इनर जो सरफेस है वहां पर, इसकी जो इनर सरफेस होती है बच्चों वहां पे क्या होता है, वहां पर एक लंबी खांच पाई जाती है और बाकी जो शेष आउटर सरफेस है वहां पर इसके अंदर जो है वो स्पाइन्स पाए जाते हैं। ओके, दोनों तरफ की जो फ्लैजिला है जंतु के अंदर, दोनों तरफ के जेनाइटल चैम्बर से एक एक जो है पैराएक्सियल ऑर्गन जो है सिचुएटेड है और दोनों पैराएक्सियल ऑर्गन के अंदर एक एक काइटिनस रोड फ्लैजिलम के रूप में पाई जाती है। तो ये दोनों फ्लैजिला जो है वो परस्पर, दोनों फ्लैजिला आपस के अंदर मिलकर क्या बनाती है, जंतु के अंदर एक डबल पेनिस नुमा संरचना बनाती है। ओके, डबल पेनिस बनाती है और ये डबल पेनिस, ये जो फ्लैजिलम है ये एट अ टाइम ऑफ कॉपुलेशन जंतु के अंदर क्लेस्पर का कार्य करती है, आलिंगक ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो उसके अंदर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्कॉर्पियन, अलग अलग स्कॉर्पियन के जो जातियां हैं उसके अनुसार इनका जो फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो सकता है। इसके अंदर एक सपोर्टिंग शाफ्ट और एक ग्रुप विद ग्रुप इनसाइडेड शाफ्ट होता है और उसके अंदर जो है गुहा के अंदर पाया जाता है शाफ्ट और फ्यूअर स्पाइन्स पाए जाते हैं ऑन द वन साइड ऑफ द फ्लैजिला। ओके, क्या बनाते हैं ये जो है क्लेस्पर नुमा संरचना या क्लेस्पर का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। कॉमन जेनाइटल चैम्बर वो चैम्बर होता है बच्चों जहां पर दोनों तरफ के जो जेनाइटल चैम्बर है वो खुलते हैं। ओके, द टू जेनाइटल चैम्बर्स कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड ओपन इन टू द स्मॉल मीडियम जेनाइटल चैम्बर। ओके, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जेनाइटल चैम्बर हमारे जो है वो फर्स्ट प्री एब्डोमिनल सेगमेंट पर जो जेनाइटल ऑपरक्यूलम स्थित है उसके नीचे सिचुएटेड रहते हैं। ये हमारा जंतु का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। जो अभी तक मैंने समझाया वो आप इस डायग्राम के अनुसार समझ लीजिए। देखिए
हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट हार्मोन क्या था, देयर इज अ फर्स्ट वन पेयर ऑफ टेस्टिस। मैंने शुरुआत में बताया था ये वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो होते हैं, प्रत्येक जो टेस्टिस है वो दो पैरेलल ट्यूब्स नुमा संरचनाओं के रूप में होते हैं, और ये ट्यूब्स जो होती है वो चार ट्रांसवर्स ट्यूब्स के द्वारा आपस के अंदर जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार ये ट्रांसवर्स ट्यूब्स क्या बना रही है, प्रत्येक वशन के अंदर ये थ्री चैम्बर्स का निर्माण करती है। ओके, थ्री स्क्वायर्स का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। ट्यूब्स जो होती हैं वो जर्मिनल एपिथीलियम, इनकी जो लेयर होती है जर्मिनल एपिथीलियम पर लेयर की बनी हुई होती है, और ये जर्मिनल सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड या स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। ओके, इनकी जो सबसे फर्स्ट ट्यूब्स है टेस्टिस की, उसके एंटीरियर पार्ट के बाहरी किनारे से क्या निकलती है, प्रत्येक टेस्टिस से एक बास डिफरेंशिया जिसको हम शुक्रवाहिका कहते हैं वो ओरिजिनेट होती है, और अपनी ओर की शुक्रवाहिका अपने साइड के जेनाइटल चैम्बर, ओके दिस इज द जेनाइटल चैम्बर के अंदर ओपन होती है। ओके, वास डिफरेंशिया जो है हमारा उसका डिस्टल पार्ट जेनाइटल चैम्बर में एंटर होने से पहले, खुलने से पहले फूली हुई संरचना बनाता है, और ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है हमारी टर्मिनल एम्बुला। ओके, इसके अलावा जंतु के अंदर मैंने कहा फोर एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ सिचुएटेड होती है ये देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा जो जेनाइटल चैम्बर है उसके ऊपर की तरफ देयर इज अ डॉर्सल एनेक्स ग्लैंड, नीचे की तरफ वेंट्रल एनेक्स ग्लैंड सिचुएटेड रहती है, और इसी प्रकार हमारा जो जेनाइटल चैम्बर है उसके साइड के अंदर एक राउंड शेप की ग्लैंड दैट इज नोन एज अ ओवल ग्लैंड, एंड ओवल ग्लैंड के पास में ही हियर इज द सिलिंड्रिकल ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। ये भी एक एक जोड़ी जंतु के अंदर पाई जाती है। क्या कार्य होता है एसेसरी ग्लैंड्स का, ये जो ग्लैंड्स होती है वो एक प्रकार का लिक्विड सिक्रेट करती है जो कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जंतु के अंदर जो है वो कार्य करता है या काम में लिया जाता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं वेसिकुलर सेमिनलिस की, किस प्रकार की संरचना है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेनाइटल चैम्बर के पास में यहाँ वही नीचे की तरफ, दिस इज वेसिकुलर सेमिनलिस जिसको हम सेमिनल वेसिकल भी कहते हैं। क्लब शेप संरचना होती है, और ये क्या कार्य करता है, ये स्पर्म को स्टोर करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ओके, जो कि एम्बुला जो हमारा टर्मिनल एम्बुला है उसमें वेसिकुलर सेमिनलिस ओपन होता है। ओके, दोनों तरफ के जो हमारे जेनाइटल चैम्बर है, राइट एंड लेफ्ट साइड के जो जेनाइटल चैम्बर है वो एक कॉमन जेनाइटल चैम्बर के अंदर ओपन होते हैं। ओके, और ये कॉमन जेनाइटल चैम्बर कहाँ स्थित है, हमारा जो प्री एब्डोमेन रीजन है जंतु का उसका जो फर्स्ट सेगमेंट है वहां पे उपस्थित स्टर्नम के नीचे, जेनाइटल ऑपरक्यूलम के नीचे एक मेन जेनाइटल कोर के द्वारा बॉडी के बाहर खुलता है। ओके, तो ये आज अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है स्कॉर्पियन जंतु का।